सर कैसी लगी मूवी? सर कैसी लगी मूवी? एक नंबर, एक नंबर। कैसे लगे शाहरुख खान? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगे। डबल रोल मैंने एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था, ये तो बहुत प्यारा। अरे मजा आ, बहुत ज्यादा एकदम। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? अच्छी है सर। कैसी लगी मूवी? एक नंबर, शानदार। सर कैसी लगी मूवी? 5 में से 10 स्टार। कैसा लगा एक्शन? एक तरफा। सर कैसी लगी? फैबुलस। सर कैसी लगी? अच्छी थी, एवरेज मूवी। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत शानदार, बहुत समय बाद शाहरुख को ऐसा देखने को मिला, मजा आया। गदर के बाद दूसरी गदर है ये, आनंद आ जाएगा इसमें। कैसा लगा एक्शन वगैरह? बहुत शानदार, बहुत। स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी बहुत अच्छी है। फर्स्ट मिनट से जो उन्होंने पिक करना चालू किया है तो लास्ट मोमेंट तक, मतलब मूवी खत्म हो गई थी बट नो वन वॉन्ट्स टू गेट अप कि यार अब जाना नहीं है, तो दैट विल आखिरी मजबूरी में लोगों को लाइट चालू करनी पड़ी टॉकीज वाला, ताकि भैया जाओ दूसरा शो चालू कर। मैम कैसी लगी शाहरुख खान की केमिस्ट्री? बहुत बढ़िया। दीपिका पादुकोण मेरी सबसे फेवरेट है और बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा संजय दत्त कैसे लगे? बहुत औसम, बहुत मजा आया। अरे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मिनट से लेके लाइट चालू करने तक आदमी बैठा रहा, उठा ही नहीं। आउट ऑफ 10 कितने स्टार देंगे? मैं तो 11 मेरी तरफ से 11 है। सर कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। कैसे लगे शाहरुख खान? बहुत अच्छा। अच्छा दोनों में से कौन सा शाहरुख ज्यादा अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा फिल्म? एक्शन, स्टोरी, ड्रामा, सब कुछ अच्छा है। ओके विजय सेतुपति कैसे लगे? वो तो नंबर अच्छा एक्टर है ना, पता नहीं। इसके अलावा संजय दत्त का केमियो? वो तो बहुत अच्छा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। कॉमेडी कैसी लगी फिल्म? कॉमेडी तो एकदम है। आउट ऑफ 10? 10। सर कैसी लगी मूवी? कैसी लगी सर? बहुत अच्छी मूवी। कैसे लगे शाहरुख खान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके अलावा फिल्म में एक्शन वगैरह कैसा लगा? बहुत जोरदार, पठान से और ज्यादा अच्छी मूवी, ज्यादा अच्छी। गदर मूवी देखी आपने? नहीं नहीं, गदर अभी नहीं देखी। सर आपको कैसी लगी? बढ़िया लगी, बढ़िया लगी। कैसे लगे शाहरुख खान? बढ़िया, एक बढ़िया लगे। शाहरुख खान किसके साथ ज्यादा अच्छा लगे, दीपिका के साथ या नयनतारा के साथ? दोनों के साथ ही बढ़िया था, बढ़िया लगे। हाँ। बाप बेटे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगी। हाँ। मजा आता फिल्म में? हाँ, भाई बोर तो नहीं होते? नहीं नहीं। आउट ऑफ 10? 7। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? मैं खुद बताने आ रहा हूँ कि भैया मूवी ऐसी है कि ऐसी मूवियों की तारीफ नहीं करोगे तो फिर किसकी करोगे भाई? सब लोग देखने आओ, 10 out of 10 स्टार। और बॉलीवुड में आई थिंक ऐसी मूवी कोई बना भी नहीं सकता। साउथ को जो, साउथ के हीरोज को जो टक्कर देने वाला जो एक इंसान है वो शाहरुख खान ही बॉलीवुड में। अच्छा सर एक्शन कैसा लगा फिल्म? एक्शन ताबड़तोड़, ताबड़तोड़, जिसका कोई तोड़ ही नहीं, कोई मतलब किसी मूवी से कंपैरिजन नहीं कर सकते, इतना खतरनाक एक्शन था। अच्छा इस फिल्म के जो BGM है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या फिर म्यूजिक है, वो कैसा लगा? क्योंकि वो रोंगटे खड़े कर देने वाला म्यूजिक था। मतलब यार ये एक पठान थी, पठान में ये पठान से 100 गुना बेहतर मूवी है, क्योंकि इसमें इमोशंस भी हैं। मतलब इतने ऐसे ऐसे सीन है जिसमें आप रो दोगे, ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे सीन थे, मतलब मज़ा आ गया। एक्शंस तो तगड़े, उसके बाद रोने वाले सीन भी है इसमें जिसमें आप देख के फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, जो साउथ के भी, मतलब साउथ को पीछे छोड़ दिया शाहरुख खान ने। मतलब टोटल साउथ की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया, पीछे छोड़ दिया। मतलब बोलते थे कि यार बॉलीवुड साउथ को पीछे नहीं छोड़ पा रहा है, लेकिन आज बॉलीवुड शाहरुख खान ने साउथ को भी पीछे छोड़ दिया। ओके सर, आपको लगता है कि ये फिल्म पठान का और इसके अलावा गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? तोड़ देगी 100%, ये तो मतलब सवाल पूछने लायक ही नहीं है, तोड़ चुकी है समझो। अच्छा इसके अलावा शाहरुख खान की केमिस्ट्री नयनतारा के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है या फिर दीपिका पादुकोण के साथ? यार देखो मतलब दीपिका के साथ तो उसकी सलामत जोड़ी है सही, लेकिन जो नहीं, जो साउथ की हीरोइन है नयन, उसके साथ भी काफ़ी प्यारी लगी जोड़ी। अच्छा फिल्म के विलन की बात करें तो आपको विजय सेतुपति कैसे लगे? बेस्ट, क्योंकि वो साउथ का ही था, साउथ के विलन्स तो होते ही खतरनाक है। अच्छा उनकी हिंदी कैसी लगी? क्योंकि थोड़ी सी हिंदी उनकी वीक थी तो कैसी लगी? बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। बाकी के जो साइड कैरेक्टर्स थे लाइक जैसे जो उनके साथ जो शाहरुख सर की जो टीम थी लड़कियों वाली, वो कैसी लगी? सबने मतलब यार ऐसा काम किया है, वो मेन तो शाहरुख खान को, उसका तो एक्टिंग का कोई तोड़ ही नहीं है भाई, उसका बाप एक्टिंग का बाप है, वो बाप सालों है, से सालों तक नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, बाप है एक्टिंग का। अच्छा इसके अलावा शाहरुख खान के कुछ और प्रोजेक्ट है डंकी वगैरह टाइप के, आपको ऐसा लगता है कि इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले जाएंगे वो? 100% ले जाएंगे। और यार देखो आज अगर दूसरे एक्टर से कंपैरिजन करें जो बड़े बड़े लेवल पे बैठे हैं लाइक सलमान खान, वो कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन शाहरुख खान ने अपनी स्टेबिलिटी बना के रखी है कि जो मैं हूँ उन्होंने बता दिया पठान से, और आज इसके बाद ये इतनी बड़ी मूवी जवान लेके आए, उसके बाद डंकी आ रही है, तो उन्होंने बता दिया भाई किंग एक ही है, वो है शाहरुख खान। अच्छा इसके अलावा इसमें संजय दत्त का कैमियो कैसा लगा? बेस्ट, सुपर। कॉमेडी अच्छी लगी? अरे एक नंबर, जबरदस्त। इसके अलावा मतलब अगर वन फ्रेम की बात करें तो आप ये मूवी सबको रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करूंगा यार, अगर ऐसी मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा तो फिर कैसी करूंगा। बिल्कुल देखना, वो काफ़ी मेहनत है और मेन शाहरुख खान है तो देखनी पड़ेगी। अच्छा फिल्म कहीं बोर तो नहीं करती क्योंकि एक्शन मूवी है?
बिल्कुल भी बोर नहीं करती है। मतलब यार देखो ऐसा होता है कि किस मूवी में होता है सिर्फ एक्शन 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 चलते तो लगता है कितना कितनी मारधार चल रही है, लेकिन इसमें इमोशंस भी हैं, आप रो दोगे मूवी देख के, इतना इमोशंस है इसमें। आउट ऑफ 10 कितने? आउट ऑफ 100 दे दूंगा मैं तो, 100 में से 100 दे दूंगा, इतनी प्यारी मूवी लगी। सर कैसी लगी मूवी? शाहरुख खान कैसे लगे? बढ़िया लगे। विजय सेतुपति ज्यादा अच्छा लगे या शाहरुख खान? विजय सेतुपति। डबल रोल कैसा लगा शाहरुख खान? अच्छा था, अच्छा लगा। स्टोरी वगैरह कैसी लगी? बढ़िया। गाने सब कुछ कैसा लगा? बाकी गाने तो थोड़ा ऐसे ही थे, पर स्टोरी पर बाकी अच्छी। 10 में से कितने स्टार देंगे? 9। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? बढ़िया लगा मूवी का एक्शन कैसा लगा? बढ़िया मूवी है। 9 तारा है। हम कैसी लगी मूवी? नाइस। सर कैसी लगी? नाइस। कैसा लगा शाहरुख खान?